नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि व अथवा लेखकों से संबंधित उनकी रचनाएं। जो जो रचनाएं बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है, उन सभी रचनाओं को आज की क्लास में हम करने की कोशिश करेंगे। भाई, जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, NTA NET की परीक्षा हो या किसी भी स्टेट के अंतर्गत होने वाली TGT PGT हिंदी संबंधी परीक्षा हो या कोई अदर परीक्षा हो जिसमें हिंदी विषय से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सभी के लिए ये क्लास मददगार साबित होगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए आज की क्लास की हम शुरुआत कर लेते हैं। प्रमुख कवि व अथवा लेखकों से संबंधित उनकी रचनाओं को आज की क्लास में हम करने की कोशिश करेंगे। लगभग सभी रचनाओं को तो नहीं भाई, जो रचनाएँ बार बार परीक्षाओं में रिपीट होती हैं, बार बार पूछी जाती हैं, उन्हीं रचनाओं को हम करेंगे। क्योंकि आप सभी को पता है, मुख्य मुख्य बिंदुओं को हिंदी साहित्य से संबंधित जितने भी हमारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जो परीक्षाओं की दृष्टि से अति उपयोगी है, अति महत्वपूर्ण है, जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट बिंदुओं को हम जो है उनकी बार बार रिविज़न करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो किसी भी स्टेट के अंतर्गत होने वाली TGT PGT संबंधी परीक्षा हो या कोई अदर परीक्षा हो जिसमें हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, सभी परीक्षाओं के लिए क्लास मददगार साबित होगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरुआत कर लेते हैं आज की क्लास की, जिसमें हम आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक के सब प्रमुख रचनाकारों से संबंधित उनकी रचनाओं को देखेंगे। तो शुरुआत कर लेते हैं आदिकाल की जो प्रमुख रचनाएं हैं, आप सभी को पता है चंद्रबरदाई जी की जो रचना है पृथ्वीराज रासो, जो कि डिंगल पिंगल भाषा में लिखा गया है। डिंगल पिंगल यानी कि डिंगल का मतलब है राजस्थानी प्लस अपभ्रंश के भाषा को डिंगल कहा जाता है। अपभ्रंश आई होप आप समझ रहे होंगे, और पिंगल कहा जाता है ब्रिज प्लस अपभ्रंश, तो राजस्थानी प्लस अपभ्रंश होती है डिंगल और ब्रिज प्लस अपभ्रंश होती है पिंगल। अर्थात पृथ्वीराज राशों के अंतर्गत जो भाषा है वो कई भाषाओं के शब्दों का मेल से जो है इस रचना को, इस ग्रंथ को लिखा गया है। तो चंद्रबरदाई द्वारा लिखा गया हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी माना जाता है पृथ्वीराज रासो। उसके बाद दलपति विजय, जो कि खुमान रासो नामक रचना लिखी दलपति विजय ने, और जो है उसके बाद जो है नरपति नाला जी ने लिखा है बिसल देव रासो, जो सन है इसका 1212, ये भी ध्यान रखना है। जगनिक द्वारा लिखा गया परमाल रासो, नल सिंह जी द्वारा लिखा गया विजयपाल रासो। ज़्यादा डिटेल से हम इन ग्रंथों की चर्चा नहीं करेंगे भाई, क्योंकि विद सॉल्यूशन के साथ जब हम प्रश्नों की जो सीरीज हमने चलाई है, एक एक तथ्य को, एक एक महत्वपूर्ण बिंदु को हम जो है बिल्कुल डिटेल से करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आज की क्लास में केवल रचनाकार और उनकी रचनाओं को देखेंगे, क्योंकि परीक्षाओं की दृष्टि से ये मुख्य मुख्य रचनाएं हैं जो कि बार बार रिपीट होती हैं। अगर इनसे जुड़ी हुई और अन्य तथ्य भी हम यहाँ पर करने लगेंगे तो क्लास बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो लगभग सभी रचनाओं को हम आदिकाल से और भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल के अंतर्गत आने वाली मुख्य मुख्य रचनाओं को हम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज की क्लास में केवल रचना और रचनाकारों की रचनाएं ही आपको देखने को मिलेगी और अन्य बिंदुओं पर हम बात नहीं करेंगे। तो देख लेते हैं आगे माधवदास चरण द्वारा लिखा गया राम रासो। उसके बाद जो है सारंग दरसूरी जी द्वारा लिखा गया हमीर रासो। उसके बाद देख लेते हैं ज्योतिश्वर ठाकुर जी द्वारा लिखा गया ग्रंथ वर्ण रत्नाकर। विद्यापति जी की रचनाएं जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, कीर्तिलता कीर्ति पताका और विद्यापति पदावली, जो कि मैथिली भाषा में लिखा और कीर्तिलता और कीर्ति पता इनकी अवहट भाषा में लिखी गई रचनाएं हैं। उसके बाद देख लेते हैं आगे अमीर खुसरो जी द्वारा लिखे गए जवारे खुसरवी, खुसरो की हिंदी कविता, खालिक बारी, किस्सा चाह दरवेश, ये सभी रचनाएँ जो है खुसरो जी की हैं। अमीर खुसरो जी जो है आदिकाल के प्रमुख कवियों में आते हैं। अमीर खुसरो जी को तोताई हिंद के नाम से भी जाना जाता है, और आप सभी को पता है तबला सितार आदि जो वाद्य यंत्रों का जो आविष्कार है वो अमीर खुसरो जी द्वारा ही किया गया। GK के अंतर्गत भी ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें आगे अब्दुल रहमान जी द्वारा लिखा गया संदेश रासक रचना,
जो कि इनका एक खंड काव्य है। ये परीक्षा में पूछा जाता है ये किस प्रकार का काव्य है। संदेश रासक या निम्नलिखित में से कौन सी रचना खंड काव्य है, तो अब्दुर्रहमान जी की संदेश रासक खंड काव्य है। फिर श्रीधर जी द्वारा लिखी गई रणमल छंद और परिचित रायशा, जिन धर्मसूरी जी द्वारा लिखी गई शालीभद्रसूरी, ध्यान रखना है भाई ये जिन धर्मसूरी है, और एक है हमारे जिन दत्तसूरी, तो जिन दत्तसूरी और जिन धर्मसूरी में जो है आपको कंफ्यूज नहीं होना है। दोनों साहित्यकारों की जो दोनों लेखकों की रचनाओं को अलग अलग आप लोगों को याद कर लेना है। तो देख लेते हैं जिन धर्मसूरी की सतुली भद्र रचना है और जलहन कवि की है बुद्धि रासो, जो कि पृथ्वीराज रासो को जिन्होंने पूरा किया वही कवि है ये जलहन कवि कहा जाता है। ये टाइपिंग मिस्टेक है भाई, जलहन इस प्रकार लिखा जाएगा। उसके बाद अगला जो है हमारा लेखक वो है देलहन, एक कवि द्वारा लिखी गई गै सुकुमार रासो। अगर ये पूछ लिया जाए गद्य सुकुमार रासो किसके द्वारा लिखी गई, सुकुमार है भैया और रासो किसके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, वो है देलहन द्वारा। उसके बाद मधुकर कवि द्वारा लिखा गया, मधुकर कवि ने जो ग्रंथ लिखा है वो जय मयंक जसचंद्रिका और भट्ट केदार जी द्वारा लिखा गया जयचंद प्रकाश। ये दोनों रचनाएं परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, बार बार परीक्षा में आने वाली रचनाएं हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। फिर है जो इंदु कवि हुए हैं इन्होंने लिखा है परमात्म प्रकाश, और कुशल लाभ जी द्वारा लिखा गया ढोला मारू रा दोहा। और कुशल लाभ के रचनाकार अगर कुशल लाभ ये ढोला मारू दोहा के रचनाकार अगर कुशल लाभ को नहीं दिया गया ऑप्शन में तो आपको मिलेगा कल्लोल। इसके पहले लेखक कल्लोल नाम के लेखक हुए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और फिर उन्होंने जो है बाद में ये कुशल लाभ ने इस ढोला मारू रा दोहा में कुछ छंद और जोड़ करके इस रचना को पूरा किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद शुम्भू जी की जो अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि माने जाते हैं शुम्भू जी, और समय है इसका 8वीं शताब्दी। इनकी रचनाएं है पौम चरिव और रिठनेमी चरिव, दो रचनाएं हैं इनकी, ध्यान रखना है। वैसे तो और अन्य रचनाएं भी हैं लेकिन ये दो रचनाएं जो है परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। हरप्रसाद शास्त्री जी द्वारा लिखा गया बोधगान और दोहा, धनपाल कवि द्वारा लिखा गया भविष्यत कहा, और महापुराण रचना जो है पुष्यदंत ने लिखी गई, पुष्यदंत जी द्वारा लिखी गई जो कि स्वयंभू के बाद के कवि रहे हैं 10वीं शताब्दी के, उन्होंने लिखा महापुराण, महापुराण नाम से रचना लिखी। और उसके बाद देख लेते हैं आगे, अगली जो रचना है वो है धनपाल जी द्वारा लिखी गई भविष्यत कहा। लक्ष्मीधर ने लिखा प्राकृत पैंगलम, जिन्हें छंद शास्त्र नाम से भी जो है जाना जाता है। उसके बाद जो है अमीर खुसरो जी ने, हमने देख ली थी अमीर खुसरो जी की रचनाएं खालिक बारी। उसके बाद सरहप्पा जो सिद्धों के प्रथम कवि माने जाते हैं, दोहा कोश की रचना की सरहप्पा ने, भट्ट केदार ने जयचंद प्रकाश की रचना की, ये भी हम पढ़ चुके हैं। शबरपा ने जो है चार्य पद की रचना की, ये बार बार परीक्षाओं में पूछे जाने वाली रचना है भाई, चार्य पद किसके द्वारा लिखा गया, तो शबरपा ये आपको ध्यान रखना है। और गोरखनाथ ने जो है नाथ पंथ के प्रवर्तक माने जाते हैं गोरखनाथ, शिष्या दर्शन, प्राण संकली, शब्दी और पद, ये इन्होंने ये ग्रंथ लिखे हैं। उसके बाद नल सिंह भाट जी द्वारा लिखा गया विजयपाल रासो, कणहप्पा जी द्वारा लिखे गए दोहा कोश और कणहप्पाद गीतिका वर्ज गीति और वसंत तिलक, ये सभी रचनाएं कणहप्पा जी की हैं। उसके बाद बात करें आगे आशगु कवि द्वारा लिखा गया चंद्रबाला रास, उस रास है भाई चंद्रबाला रास, चंद्रबाला रास नामक जो रचना किसने लिखी, कवि आशगु ने, हेमचंद्र जी ने, जो कि प्राकृत भाषा का व्याकरण इन्होंने लिखा था हेमचंद्र जी ने, सिद्ध हेमचंद्र और शब्दानुशासन। उसके बाद जो है कल्लोल कवि द्वारा लिखा गया ढोला मारू रा दोहा, और कुशल लाभ भी इसके रचनाकार हुए हैं। सुमिति गणी जी द्वारा लिखा गया नेमी नाथ रास, जिन दत्सूरी जी द्वारा लिखा गया उपदेश रसायन, एक हमने पढ़ा था जिन धर्मसूरी की जो साली
बद्रशुरी भाई, जिन एक हमने पढ़ा था जिन धर्मसुरी द्वारा लिखी गई सुतली भद्रास, सॉरी वैशाली भद्रास नहीं, सुतली सैथुली भद्रास नाम से इन्होंने जिन धर्मसुरी ने लिखा। तो यहाँ आप ट्रिक के माध्यम से ध्यान रख सकते हो, धर्म ने जो है भद्र यानी कि इस प्रकार से आप याद रख सकते हो ट्रिक के माध्यम से कि धर्म ने भद्र बताया और दत्त ने उपदेश दिए। दत्त ने जो है उपदेश दिए लेकिन धर्म ने उसे भद्र बता दिया, भद्र तो यानी अमान्य कर दिया, या किसी भी प्रकार से याद रख सकते हो। तो सतली भद्रसुरी जी द्वारा लिखी गई रचना वो है, सॉरी भाई, सतली भद्र रास जो रचना लिखी है वो है जिन धर्मसुरी जी द्वारा लिखी गई रचना, लेकिन जिन दत्तसुरी ने जो रचना लिखी है उसका नाम है उपदेश रसायन। देवसेन जी द्वारा लिखा गया चर्वाकाचार, जो कि हिंदी की प्रथम रचना मानी जाती है। उसके बाद देख लेते हैं आगे भक्ति काल की प्रमुख रचनाओं में कौन कौन सी रचनाएं, जो प्रमुख रचनाएं हैं जो कि बार बार परीक्षाओं में आती है, पूछी जाती है, उनमें शामिल है भक्ति काल की प्रमुख रचनाओं में शामिल है जैसे कि संत काव्यधारा के अंतर्गत कबीरदास जी जो कि निर्गुण काव्यधारा के प्रवर्तक रहे हैं उनकी रचनाएं हैं, बीजक में संग्रहित है, और रेमणी शबद और साखी, साखी शबद रेमणी तीन रचनाएं हैं, और बीजक का संकलन किन्होंने किया, धर्मदास जी ने। उसके बाद देख लेते हैं आगे अगला जो लेखक है हमारा वो है रैदास, रैदास ने लिखी वाणी, नानक देव जी द्वारा लिखे गए ग्रंथ साहिब में संकलित संकलन गुरु अर्जुन देव, ग्रंथ साहिब में संकलित कुछ रचनाएं लिखी और संकलनकर्ता कौन है, अर्जुन देव। उसके बाद बात करें मलुकदास की, मलुकदास जी एक संत काव्य के प्रमुख कवियों में शामिल है, तो रतन खान और ज्ञानबोध दो रचनाएं इनकी प्रमुख है जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती हैं, और ज्ञानबोध इनकी सबसे इम्पोर्टेंट रचना रही है। और इन्होंने जो है मलुकदास को आप सभी को पता है आलसियों का कीड़ा भी कहा जाता है, और इनके द्वारा जो ये पंक्तियाँ बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है कि अजगर करे ना चाकरी पंछी करे ना काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम, ये पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई, तो मलुकदास जी की है। उसके बाद बात करें आगे सुंदरदास, सुंदरदास ने सुंदर विलाप लिखा, सूफी काव्य धारा के अंतर्गत आने वाली जो प्रमुख रचनाएं हैं ऐसाइयत द्वारा लिखी गई हंसावली, मुल्ला दाऊद ने लिखा चंदायन जिसे लोर कहा या लोर कथा के नाम से भी जाना जाता है, मंजन द्वारा लिखी गई मधुमालती, कुदुपन जी ने लिखी जो है मृगावती, और उस्मान कवि ने लिखी चित्रावली, मलिक मोहम्मद जायसी जी द्वारा लिखी गई रचनाएं पद्मावत, चित्रलेखा, कहरनामा, आखिरी कलाम, आलम कवि द्वारा लिखी गई रचनाएं वो है माधव नल, काम कंदला, शेख नवी ने लिखी दीप ज्ञानद्वीप, ज्ञानदीपक, ज्ञानद्वीप जो रचना है आई थिंक ज्ञानदीप है भैया, ज्ञानदीपक नहीं, ज्ञानदीप नाम से जो रचना शेख नवी जी द्वारा लिखी गई, पोहकर जी द्वारा लिखी गई रसरतन, और दामोदर कवि द्वारा लिखी गई लखमसेन पद्मावती कथा। उसके बाद जो है नंददास जी द्वारा लिखी गई रूपमंजरी, ईश्वरदास जी द्वारा लिखी गई सत्यवती कथा। ईश्वरदास जी जो सूफी काव्य धारा के अंतर्गत एक ऐसे हिंदी कवि रहे हैं, और सभी ये मुसलमान कवि माने जाते हैं, मुस्लिम माने जाते हैं, लेकिन हिंदी कवि सूफी काव्य धारा के अंतर्गत जो है एक ईश्वरदास का ही नाम आता है, और जितने भी सूफी काव्य धारा के अंतर्गत जो ये रचनाएं लिखी ये किसी ना किसी नायिका के नाम के आधार पर इनका नामकरण भी किया गया, और हिंदुओं की जो लोक कथाएं हैं हिंदू घरानों की प्रचलित प्रेम कथाओं को जो है अपनी जो रचनाओं की कथा का आधार इन्होंने बनाया है सूफी कवियों ने, ये भी आपको ध्यान रखना है। और नूर मोहम्मद जी द्वारा लिखी गई दो रचनाएं इंद्रावती और अनुराग बांसुरी दोनों के दोनों इम्पोर्टेंट है भाई परीक्षा की दृष्टि से। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कृष्ण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत लिखी जाने वाली जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें शामिल है सूरदास की प्रमुख रचनाएं सूर सागर,
सूर पच्चीसी, सूर सारावली और साहित्य लहरी, ये रचनाएं सूरदास जी ने जो है ब्रज भाषा में रचनाएं की है। उसके बाद परमानंद दास जी द्वारा लिखी गई परमानंद सागर, कृष्ण दास जी ने लिखा जुगल मानचरित्र और चतुर्भुज दास जी द्वारा लिखा गया द्वादश यश, भक्ति प्रताप, हित जुग मंगल, ये सभी रचनाएं जो है चतुर्भुज दास जी की बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। उसके बाद नंददास जी ने लिखे रास पंचाधाई और भंवर गीत, एक है भ्रमर गीत जो कि सूरदास जी ने लिखे, सूरदास जी लेखक रहे हैं, और एक है हमारा भंवर गीत, इसके लेखक जो है नंददास जी रहे हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये इनका प्रबंध काव्य है। बढ़ते हैं आगे, श्री भट्ट जी द्वारा लिखी गई युगल शतक, उसके और हित हरिवंश जी द्वारा लिखी गई हित 84 और ध्रुव दास जी द्वारा लिखी गई भक्त नामावली। कई बार भक्त नामावली ये रचना भी कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है, ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है। मीराबाई जी की भी रचनाएं को भी कई बार पूछ लिया जाता है। नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद और राग सूरज के पद, ये सभी रचनाएं मीराबाई जी की हैं। रस खान जी की रचनाएं हैं प्रेम वाटिका, सुजान रस खान, दान लीला। नरोत्तम दास जी की रचनाएं हैं सुदामा चरित, और उसके बाद जो है राम भक्ति का, एक सेकंड भाई, कृष्ण भक्ति काव्य धारा के कवियों को हमने देख लिया। अब राम भक्ति काव्य धारा में आने वाले जो प्रमुख कवि हैं, जैसे कि गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाएं जब हम देखें, राम भक्ति काव्य धारा में तुलसीदास जी प्रमुख कवि रहे हैं। राम भक्ति काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं तुलसीदास जी, और कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास जी रहे हैं, और जो है निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत संत काव्य धारा के प्रतिनिधि कबीरदास जी को माना गया है, और सूफी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि जयसी जी रहे हैं, ये आप सभी को पता ही है। तो तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाओं में शामिल है रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, गीतावली, वैराग्य संदीपनी, पार्वती मंगल और जानकी मंगल, इन रचनाओं से जुड़ी हुई काफ़ी सारी मुख्य महत्वपूर्ण बिंदु है, जिनको हम जो है प्रश्न उत्तरों के माध्यम से करते हुए आगे बढ़ ही रहे हैं। कौन सी रचना किस भाषा में है, किस तुलसीदास की रचना रामचरितमानस में कितने कांड हैं, उन कांडों को क्रम वाइज लगाइए, या किस में किस का वर्णन किया गया है, तो सभी रचनाएं जो है अपने आप में इम्पोर्टेंट रही है तुलसीदास जी की, और 12 रचनाओं को प्रमाणिक माना है रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी की, ये आप लोगों को हम अन्य तथ्य पढ़ेंगे, प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे, तो बिल्कुल एक एक रचनाओं के डिटेल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम करते हुए चल ही रहे हैं, तो आगे भी इसी प्रकार परीक्षा तक चलते रहेंगे। अगर भाई वीडियो आपको पसंद आती है, लगता है आपकी परीक्षाओं के ये क्लास जो है हेल्पफुल होगी, तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक, कमेंट और शेयर करना, क्योंकि आपके लाइक कमेंट से मुझे नेक्स्ट क्लास बनाने का और अधिक मोटिवेशन मिलता है। अगले जो लेखक है हमारा वो है अगरदास जी का जो रचनाएं है रामाष्टम और राम भजन मंजरी। फिर है ईश्वरदास जी जो है भक्ति काल के अंतर्गत भी आते हैं, और जो है भक्ति काल के राम भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत भी आते हैं, और सूफी काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। तो वो लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है ईश्वरदास को कहीं पर भी स्थान नहीं दिया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और भरत मिलाप जो है रचना ईश्वरदास जी द्वारा ही लिखी गई है, और अंगद पेज भी इनकी इम्पोर्टेंट रचना है, और दोनों रचनाएं इम्पोर्टेंट है अपने आप में। ईश्वरदास जी की बढ़ते हैं आगे, नाभादास ने लिखा भक्तमाल, केशवदास जी द्वारा लिखी गई रामचंद्रिका जो कि प्रबंध काव्य है, नरहरिदास जी द्वारा लिखा गया पौरुष रामायण। इस प्रकार से भक्ति काल के अंतर्गत आने वाली मुख्य रचनाओं को हमने देख ही लिया, जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। उसके बाद कुछ रचनाओं को हम रीतिकाल से संबंधित रचनाओं को भी यहाँ पर देख लेते हैं। तो रीतिकाल के अंतर्गत जो कृपाराम जी रहे हैं, प्रथम लेखक रहे हैं कृपाराम रीतिकाल के, तो हित तरंगिणी 1541 में लिखी गई नायिका भेद विवेचन रचना रही है इनकी। उसके बाद केशवदास जी जो जिसे रीतिकाल के प्रवर्तक भी रीतिकाल का प्रवर्तक भी माना जाता है, तो कृपाराम और केशवदास जी ऐसे कवि रहे हैं रीतिकाल के, जिन्होंने जो है भक्ति काल के अंतर्गत भी रचनाएं लिखी थी और रीतिकाल में भी इन्होंने रचनाएं लिखी है। ऐसा नहीं है कि केवल एक कवि ने
केवल एक ही काल में रचना की है। तो जैसे जैसे परिवर्तन होता गया, काल बदलते गए, तो जो साहित्यकार हुए हैं उन्होंने उसी प्रकार से अपनी रचनाएं जो है वे करने लग गए थे। तो देख लेते हैं रीतिकाल के अंतर्गत आने वाले प्रमुख कवि केशव दास जी, जिसे रीतिकाल का प्रवर्तक भी कहा जाता है। कवि प्रिय 1601, काव्य दोष कवियों के गुण दोष अलंकार बारहमासा आदि का वर्णन है। रसिक प्रिय 1591 में रस एवं नायिका भेद का वर्णन दिखाया गया है। वीर देव चरित्र 1607 जो कि ओरछा नरेश राजवीर सिंह देव बुंदेल का चरित्र इसमें दर्शाया गया है। फिर है रतन बावनी 1607, मधुकर शाह पुत्र रतन सेन के वीर वीरोत्साह का वर्णन इसमें है। और जांगीर जसचंद्री का 1612 जो कि जांगीर की परास्ति है। और विज्ञान गीता 1610 जिसमें संस्कृत चंद्रोदय का पदानुवाद माना जाता है विज्ञान गीता। उसके बाद बात करें आगे, अगले जो रचनाकार है वे हमारे चिंतामणि जी। चिंतामणि जी द्वारा लिखी गई प्रमुख रचनाओं में शामिल है रसविलास, और उसके बाद ये जो है भानुदत्त की रस तरंगणी, भानुदत्त की जो रस मंजरी और रस तरंगणी का को आधार बना करके लिखी जाने वाली रचना है इनकी रसविलास। ये है श्रृंगार मंजरी नायिका भेद से संबंधित है। कवि कुलतरु जो है सर्वांग निरूपण रचना है इनकी। रामायण जो है रामकथा का वर्णन इसमें दर्शाया गया है। रामाश्वर मेघ जो है रामकथा का अश्वमेघ प्रसंग इसमें दिखाया गया है। और छंद विचार पिंगल के अंतर्गत कृष्ण चरित्र द्वारा छंद वर्णन इसमें दिखाया गया है। उसके बाद देख लेते हैं सुखदेव मिश्र जी की रचनाएं जो कि रीतिकाल के अंतर्गत ही आते हैं। रस रत्नाकर रस विवेचन है, और रसायन रव जो रचना है वो नवरस वर्णन इसमें दर्शाया गया है। उसके बाद जो है वर्त विचार के अंतर्गत छंद विवेचन दिखाया गया है। आत्म प्रकाश में शंकराचार्य के आध्यात्मिक विचारों का विवेचन है इसमें। फिर है कुलपति मिश्र जी द्वारा लिखी गई रस रहस्य रचना जो कि सर्वांग निरूपण रचना है इनकी। कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है रीतिकाल की जो ये रचना है कौन सी रचना सर्वांग निरूपण है, इनमें से कौन सी रचना जो है विशेषांक निरूपण है, जो जिस रचना का जो कि काव्यशास्त्र के अंतर्गत आने वाले जितने भी हमारे अंग हैं जैसे कि छंद रस अलंकार गुण दोष आदि का जो विवेचन सभी का विवेचन रचनाओं में होता है, तो वे रचनाएं होती है सर्वांग निरूपण। और केवल किसी विशेष एक अंग का जो है ये वर्णन होता है, तो एक अंग को दिखाया गया है तो वे रचनाएं होती है हमारी विशेषांक, जैसे कि केवल रस रस का वर्णन हो या फिर इस जिसमें अलंकार अलंकार का वर्णन हो, तो वे रचनाएं हमारी विशेषांक रचनाएं कहलाएंगी। और काव्यशास्त्र के अंतर्गत आने वाले सभी अंगों का जो रचनाओं में हमें वर्णन देखने को मिलता है वे रचनाएं हमारी सर्वांग निरूपण कहलाती हैं। तो संग्राम जो रचना है ये भी जो है कुलपति मिश्र जी द्वारा लिखी गई रचना है, जिसमें महाभारत के द्रोण पर्व का पद्म बद्ध अनुवाद दिखाया गया है। कवि द्वारा जो रचनाएं है भाव विलास, जिसमें रव रस और श्रृंगार विवेचन है। शब्द रसायन काव्य रसायन और काव्य रूप शब्द शक्ति रस नायिका भेद रीति गुण आदि का विवेचन इसमें दिखाया गया है। सुख सागर तरंग और जिसमें नायिका भेद श्रृंगार रस के कवि सवैया देखने को मिलते हैं। फिर अष्टाया नाम से कई रचनाकारों ने रचनाएं लिखी है, तो आपको ध्यान रखना है। नाबादास जी की एक रचना है अष्टायाम, रसखान जी द्वारा भी लिखी गई रचना है और देव कवि द्वारा भी लिखी गई है, जिसमें नायक नायिकाओं के आठों पहरों का के विलासों का वर्णन दर्शाया जाता है। अष्टायाम रचना में सभी कवियों ने नायक नायिका के आठों पहरों का जो है विवेचन किया है, जैसे कि रसखान ने राधा कृष्ण को नायक नायिका बना करके उनके आठों पैरों का वर्णन किया है, तो देव कवि ने किसी और नायक नायिकाओं के आठों पैरों का वर्णन दिखाया गया है। तो नाबादास ने सीताराम के आठों पैरों का
वर्णन दर्शाया गया है, तो कोई नायक नायिका कोई भी हो सकते हैं भाई, ऐसा नहीं है केवल राधा कृष्ण के ही आठों पैरों का जो विलासपूर्ण वर्णन इन रचनाओं में दर्शाया जाता है, तो नायक नायिका के आठों पैरों का जो वर्णन है विलासता का इसमें दिखाया जाता है। उसके बाद जो है मतीराम जी की रचनाएं जब हम देखें तो ललित ललाम अलंकार विवेचन रचना है इनकी, रस रास जो है श्रृंगार रस निरूपण रचना है, मतीराम सतसई श्रृंगार रस विषयक दोहा ग्रंथ है इनका, अलंकार पच्चीसिका अलंकार विवेचन है इसमें, छंद संग्रह में छंद विवेचन है। उसके बाद एक कवि आते हैं तोष कवि, तोष कवि भी काफ़ी प्रसिद्ध कवि हुए हैं रीतिकाल के अंतर्गत, सुधानिधि रचना इन्होंने लिखी है और जो कि सर्वरस निरूपण मानी जाती है। उसके बाद जसवंत सिंह जी द्वारा लिखी गई रचनाएं भाषा भूषण कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, अलंकार रस नायिका विवेचन इसमें दिखाया गया है, प्रबोध चंद्रोदय इनका नाटक है, संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय नाटक का ब्रज भाषा में पदानुवाद इन्होंने किया है। उसके बाद बात करें आगे सोमनाथ जी द्वारा लिखी गई रचनाएं रस पीयूष निधि 1737 सर्वांग निरूपण है, श्रृंगार विलास जो है श्रृंगार रस नायिका वेद विवेचन रचना है, सुजान विलास सिंहासन 32 का पदानुवाद है जो कि लल्लू लाल जी की रचना है भाई, सिंहासन 32 बेताल 25 और ये सभी रचनाएं जो है लल्लू लाल जी की है और पंचादाई जो है इनकी प्रबंध काव्य है। उसके बाद माधव विनोद जो है इनका नाटक है 1752 में लिखा गया, मालती माधव के आधार पर रचित प्रेम प्रबंध है ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम भिखारी दास जी द्वारा लिखी गई रचनाएं, भिखारी दास जी की रचनाएं हैं काव्य निर्णय काव्य प्रयोजन काव्य हेतु शब्द शक्ति गुण आदि का विवेचन इसमें दिखाया गया है। उसके बाद जो है रस सारांश रसराज जो रचना है वो मतीराम जी की रचना है भाई, रसराज रसराज और रस सारांश नामक जो रचना है वो भिखारी दास जी की है ये आपको ध्यान रखना है। नवरस विवेचन है इसमें, श्रृंगार निर्णय नायक नायिका भेद है और छंदोर पर पिंगल जो रचना है ये रचना जो है छंद निरूपण पर आधारित है। उसके बाद शब्द शब्द नाम कोश रचना इनकी शब्द कोश है, विष्णु पुराण नामक रचना इनका विष्णु पुराण का भाषानुवाद है, शतरंज सतीका में शतरंज खेल संबंधी रचनाएं हैं। उसके बाद बात करें आगे अगला जो कवि है वो है भूषण कवि, भूषण कवि जी द्वारा लिखी गई शिवराज भूषण बे शिवा शिवा बावनी और छत्रसाल ये तीनों रचनाएं ही जो है शिव भूषण की प्रसिद्ध रचनाएं हैं, जिसमें कि शिवराज ये पूछ लिया जाता है शिवराज भूषण में किसका वर्णन दर्शाया है और शिवा बावनी में किसका वर्णन है, तो छत्रसाल में छत्रसाल राजा का वर्णन कि छत्रसाल की वीरता को दर्शाया है जो कि अलंकार विवेचन ग्रंथ है, शिवा बावनी शिवाजी की परस्ती है इसमें और शिवाजी की ही जो है इसमें शिवराज बावनी में दर्शाई गई है। उसके बाद बात करें आगे अगला प्रश्न है अगला जो लेखक है वो है पद्माकर, पद्माकर कवि द्वारा लिखी गई जो प्रमुख रचनाएं है, पद्माकर वैसे रीतिकाल का प्रसिद्ध अंतिम कवि माना जाता है, पद्माकर जो है अलंकार विवेचन पद्माभरण नामक इन्होंने रचना की, जगत विनोद जो है नवरस विवेचन नायिका भेद वर्णन इसमें दर्शाया है, प्रबोध पचासा जो है संसार की जटिलता और क्षण भंगुरता का जो है वर्णन इसमें दर्शाया है प्रबोध पचासा के अंतर्गत। उसके बाद गंगा लहरी गंगा जी की स्तुति इसमें है और राम रासायन जो है राम कथा पर आधारित इसमें वर्णन दर्शाया गया है। उसके बाद हिम्मत बहादुर विरोधावली जो रचना है उनकी जो हिम्मत बहादुर की वीरता का ओजपूर्ण वर्णन है, प्रताप सिंह विरोधावली में प्रताप सिंह की वीरता का वर्णन है। कुछ इसमें और अन्य प्रमुख आधुनिक काल के कवियों की रचनाओं को भी हम देख लेते हैं जो कि जिसमें कि अयोध्या सिंह उपाध्याय की अधखिला फूल प्रिय प्रवास रस कलश और
परशून जो ये रचनाएं है काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछी जाने वाली है। विदेही वनवास और डिटेल से आधुनिक काल की रचनाओं को अलग अलग युग की रचनाओं